हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आपने पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था कि आप अच्छे से होमवर्क करिए और आपने मेरी बात को ढंग से माना और एक शेड्यूल बनाया होगा आज, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यार सर आप सभी समझ नहीं पा रहे, आप शेड्यूल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप मेरे से डिस्कस करिए इस बारे में कि सर हम नहीं पढ़ पा रहे, हम क्या करें ऐसा पढ़ने के लिए, हम थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, हम रेगुलर बेसिस पर वीडियो नहीं देख पा रहे। सर आपने एक जहां पढ़ते हो वहां पर सामने लगा दो कि भैया आप सीएमए बनना चाहते हो अगले 3 साल के अंदर, अगले 3-4 साल के अंदर फर्स्ट टाइम में सीएमए बनना चाहते हो, एक गोल सेट होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। सर आज की क्लास में ज्यादा बात नहीं करते, होमवर्क आपने कर लिया होगा, अगर नहीं करा अभी भी वीडियो रोक दो और होमवर्क कर लो, ठीक है। चलो सर, पिछली क्लास में हमने इंडिविजुअल सीरीज करी थी, क्वार्टाइल, क्विंटाइल, ऑक्टाइल, डिकाइल एंड परसेंटाइल की, और अच्छे इसके बाद पर क्वेश्चन भी करे थे, हमने आपको समझाया इसके बारे में काफी अच्छे, समझाया कि भैया हमें ये भी बताया व्हाई नॉट फाइंड Q2, क्यों नहीं फाइंड करते Q4, क्यों नहीं फाइंड करते। Q2 को ही हम मीडियन कहते हैं, ये हमारा MCQ आ सकता है। फिर हमने ऑक्टाइल परसेंटाइल की बात करी और हमने ये वाली चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझाई थी कि छोटे वाले एन का मतलब है कौन सा डिक्लाइन क्यूटाइल क्विंटाइल ऑक्टाइल परसेंटाइल निकाला है, निकालना है, जैसे कि D9, Q15, Q5, और एन का मतलब कितने नंबर उस सीरीज में है, कितने नंबर उस सीरीज में है। तो टोटल नहीं करना, इसका टोटल नहीं करना, मैंने कहा भी था एन का टोटल क्यों नहीं करना टोटल, क्योंकि वो डिस्क्रीट सीरीज में होता है दोस्तों। तो सर आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 हमने यहाँ पर करा भी था और मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था, देख लेते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 13 मैंने आपको करके दिखाया और मैंने आपको पॉइंट्स भी सॉल्व करके दिखाया था। सर पॉइंट कैसे सॉल्व होता है याद होगा आपको, आपने होमवर्क करा। क्वेश्चन नंबर 20 भी हम कर चुके हैं कम्प्लीट। आज की क्लास के अंदर हमें जो स्टार्टिंग करनी है वो करनी है दोस्तों डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज आज की क्लास में से स्टार्टिंग है डिस्क्रीट सीरीज। सर डिस्क्रीट सीरीज में क्या करना है दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूं। सर जो हमने पिछले होमवर्क करा कुछ रह गया हो आप फिक्र ना करें, अगली वीडियो में जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए वो क्वेश्चन मैं इन सब का कराऊंगा। जैसे कुछ क्वेश्चन रह गए थे मिसिंग वैल्यू की, वो अगली क्लास में होगा। सर मैंने आपसे कहा ना आज मुझे कंसेप्ट करा दो, कंसेप्ट कराने के बाद मैं आपको अगली क्लास में सारे क्वेश्चन कराएंगे, सारे क्वेश्चन चेक करेंगे कौन से करे कौन से नहीं करे, ठीक है दोस्तों। ठीक, स्टार्ट करते हैं डिस्क्रीट सीरीज। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है डिस्क्रीट सीरीज में, सबसे पहले हमें करना है फाइंड आउट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम फाइंड आउट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम फाइंड आउट करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम, देखते हैं। तो सर आपके पास डिस्क्रीट सीरीज में एक्स होगा, फ्रीक्वेंसी होगी, उससे आप क्या फाइंड करो दोस्तों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सीए फाइंड, ठीक है। उसके बाद क्या करना है उसके बाद मैं समझाता हूँ। डिस्क्रीट सीरीज पढ़ रहे हैं आप, डिस्क्रीट सीरीज में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे Q1, Q3, फिर nth ऑफ क्विंटाइल, nth ऑफ ऑक्टाइल, nth ऑफ डिकाइल और nth ऑफ परसेंटाइल, यही तो बातें ऊपर सीखी थी हमने, ठीक है। तो सर सबसे पहले हमने क्या कहा Q1, और Q1 को हम नाम देते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल, जिसको हम और दूसरा नाम देते हैं लोअर क्वार्टाइल। ये मैं बार बार इसलिए लग रहा हूं क्योंकि आपको इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको याद रहे दोस्तों Q1 को फर्स्ट क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल कहते हैं, और निकालते हैं बड़ा वाला n+1/2। अब इधर बड़ा वाला n निकालने का अलग तरीका है, आपको पता होगा, बताओ कौन सा है। हाँ जी सही समझा आपने, फ्रीक्वेंसी का टोटल, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में बड़ा वाला n का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल। अच्छा सर थर्ड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल कैसे निकालेंगे, जिसको हम नाम देते हैं अपर क्वार्टाइल, है ना, अपर क्वार्टाइल। सर बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। सर आज की क्लास में आपको देखना मजा आने लगेगा, कुछ भी नहीं है, n/n/ ऊपर मैंने मीडियन निकाल दिया, सॉरी दोस्तों यहां पर आप ठीक कर लीजिए, यहां पर 4 होगा, यहां पर मैंने गलती से 2 लिख दिया 4। सर ये तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला हो गया, हाँ जी सर मैं खुद कह रहा हूँ सेम हो गया, बट सर इसमें डिफरेंस ये है कि उधर n लिखते थे 1, 2, 3 नंबर ऑफ सीरीज,
एक सीरीज में कितने नंबर है उधर n हुआ करता था, पर इधर n है फ्रीक्वेंसी का टोटल, बस यही डिफरेंस है। और दोनों की मतलब ये है कि सेम सेम है, ठीक है दोस्तों, सब कुछ सेम है, सब कुछ ऑटोमेटिकली सारे फॉर्मूले सेम है, बट वहां n अलग निकाला करते थे, यहां n निकालेंगे बस, बाकी सारी वही है। ठीक है सर, nth क्वार्टाइल भी देख लेते हैं जल्दी से, nth क्वार्टाइल क्विंटाइल, nth क्विंटाइल nth क्विंटाइल ऑफ qn, qn बोलते हैं इसको, बताओ कैसे निकालेंगे। अच्छा मैंने कहा था आपको छोटा वाला n बड़ा वाला n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 का 5th टर्म, सॉरी टर्म्स है सारी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपने कैसे निकालना है ऑक्टाइल, मैंने कहा था जिसकी 8 भुजाएं होती है तो 8 से डिवाइड करेंगे, तो उसको समझाया भी था मैंने कौन सी चीज कैसे डिवाइड करनी है, nth ऑक्टाइल, nth ऑक्टाइल का मतलब भी समझाया था, ऑक्टाइल कौन सा निकाल रहे हो, ओ फाइव ओ सिक्स ओ सेवन कौन सा निकाल रहे हो, ऑक्टाइल जिसको हम ओ एन भी कहते हैं, कैसे निकालेंगे दोस्त, सेम छोटा वाला एन बड़ा वाला एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 8, जिसकी 8 साइड्स होती है ऑक्टाइल, उसको कहते हैं ऑक्टाकोर। लो सही, डिकाइल का मतलब क्या होता है, 10 से डिवाइड होगा, तो सर nth, सर पूरा फॉर्मूला वो सही है सर, वही है सर, पूरा फॉर्मूला सेम है, पूरा फॉर्मूला सेम है जो इंडिविजुअल था, बट सेम अलग क्या है, अलग है बस उधर n अलग निकालते थे, इधर n निकालने का तरीका अलग है, डिकाइल तो dn कैसे होगा दोस्तों, सेम बस नीचे डिवाइड किससे हो जाएगा, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10 टर्म्स। अच्छा फिर परसेंटाइल, परसेंट को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता था, 100 से डिवाइड, बिल्कुल सही समझा आपने सर, आप साथ साथ उतारते जाइए जिससे आपका टाइम बचेगा, आगे फ्यूचर में आपको आगे जल्दी देख पाओगे वीडियो को। पीएन सर n, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 100, मैं सर फिर लिख देता हूं दोनों को n का मतलब, छोटे वाला n का मतलब है कौन सा ऑक्टाइल डिकाइल एक्सेट्रा निकालना है, जैसे कि हमने माना कि भाई O6 निकालो, तो ये 6 है भाई, यही छोटा वाला n है, दिस 10 निकालो, तो ये D क्या है, N क्या है, 10 क्या है, ये छोटा वाला N है दोस्तों, ये आपको मैंने पहले ही बताया था। हाँ जी, इसके बाद बड़े वाला N का मतलब क्या है, बड़े वाले N का मतलब टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी सर, CF निकालने को इसलिए कहा इसमें क्योंकि जब CF का एंड वाला नंबर होगा वही टोटल होगा, अगर नहीं भी निकालते तब भी सर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एम ऐसे ही सोल्व कर देंगे, बट सर CF निकालोगे तो क्या है, क्योंकि CF निकालो तो निकाल लेने करने क्या था टाइम लग रहा है, टोटल तो वैसे भी करना है वहां लिख देना है टोटल करके, तो सर यही आपके पास प्रोसीजर है इन सबका, ऑक्टाइल का डिकाइल डिस्क्रीट सीरीज का ये आपके पास है सर। इसके बिहार पर हम सर क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लेते हैं सर क्वेश्चन कौन से हैं हमारी बुक के अंदर। दोस्तों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में, अब सर क्वेश्चन नंबर जो 14 है ध्यान से देखना, हमने इसका पेंडिंग लिखा हुआ है सर, पेंडिंग लिखा हुआ है इसलिए क्योंकि इसमें हमने क्या निकाला था, मैंने क्या, मैंने 13 क्वेश्चन खत्म करा दिया पिछली बार में, Q1 Q3 D1 82 सब करा दिया था मैंने। हाँ सर क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आपको कहा ये मेरा M मीडियन निकालना और ये रह गया था मेरा, तो Q1 Q3 D6 और P91 ये मैं इसमें निकाल देता हूँ, ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ठीक है तो आपको दोबारा करना है ये क्वेश्चन बिल्कुल लाइन बाई, से मैंने आपको समझाया था कि एक कॉपी बनानी जिसमें हम क्वेश्चन जो करेंगे बिल्कुल लाइन से करेंगे, पहला क्वेश्चन पहले नंबर, क्योंकि अभी कंसेप्ट हिसाब चल रहा है कहीं से क्या चल रहा है, कहीं से कौन सा क्वेश्चन आ जा रहा है, ये क्वेश्चन आपको दोबारा करने हैं लाइन से, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो लाइन से प्रैक्टिस करना दोस्तों, ठीक है, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर प्रैक्टिस करना और लाइन से क्वेश्चन को सॉल्व करना, इससे आपका बेनिफिट है, अभी प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ में आपको पेपर के टाइम आपको क्या हो जाएगा, पेपर के टाइम आप देखोगे जब तो कॉपी में है तो आपको आराम से लाइन से मिल जाएगा कि हाँ ये ढूंढना नहीं पड़ेगा ज्यादा, है ना, ठीक है, काफी अच्छा बेनिफिट है मैं आपको बता रहा हूँ उसको दोस्तों, जरूर फॉलो करें दोस्तों। अच्छा सामने देखें सर मीडियन में निकाल चुका था आपको याद है जिसमें मैंने 129 और नंबर भी लिखा था, अब मेरे को निकालना है Q1 Q3 D6 और P91, इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं नंबर X आपके पास दे रखा है, क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 14 क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं दोस्त, X मुझे गिवन है, फ्रीक्वेंसी मुझे गिवन है, ये तो गिवन ही होगा,
और क्वेश्चन ने कहा था कि सीएफवी निकालना, हालांकि कोई काम नहीं है, अगर आप नहीं भी निकाले तो वो चलेगा, पर जब हम सिक्वेंसी का टोटल करेंगे ही तो सर लिख देंगे हमारा को अगर टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है चलो, तो सर पहले क्या है 8, 12, 20, 25, 30, 40 सर 8, 12, 20, 25, 25, 30, 40, 25, 30, 40 फ्रीक्वेंसी है 9, 16, 28, 46, 9, 16, 28, 46, 20, 10, 20, 10 तो यहां समझ में आ गया आपको। ठीक है इसके बाद टोटल फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, तो एक एक करके सर इसका हम क्या कर देंगे, एक एक करके हम इसका कर लेंगे। आपके पास 9 प्लस सीएफ आ जाएगा 9 प्लस 16 25 आएगा प्लस 28 सर 53 हो जाएगा प्लस 46 99 हो जाएगा प्लस 20 119 हो जाएगा और प्लस 10 तो ये 129। तो सर इसलिए निकालने को बोला था कि यहां का जो टोटल है वो बदल जाए 129। तो सर मेरा n क्या है पता आपको, n अब मेरा 129 है, याद करो n क्या है टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, कर दिया मैंने टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी और यही नंबर क्या होता है cf का n होता है इसलिए cf। अब सर एक एक करके मैं निकालता हूं q1 q3 सर पहले q1 निकाल लेता हूं। अच्छा cf और भी काम आने वाला है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे काम आएगा। तो cf आपको निकालना ही हर बार, cf और भी काम आएगा दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे काम आएगा। देखो सबसे पहले था n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 टर्म है सर टर्म, तो हम इसको यहां से फाइंड आउट करेंगे। अच्छा बताइए n आपके पास कितना है 129 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 दैट इज 130 डिवाइड बाई 4। अब 130 को 4 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा 130 डिवाइड बाई 4 दैट इज 32.5 टर्म। अब याद है मैंने इसमें कहा था कि भाई पॉइंट कैसे लेना, वो इंडिविजुअल के लिए था दोस्तों। सर डिस्क्रीट के लिए क्या होता है आप समझाए हमें, सर डिस्क्रीट के लिए सर पॉइंट में आपको डिस्क्रीट सिर्फ नहीं करना कि 32 आगे ले लिया सर, वो नहीं होता आप समझे। सर 32 नंबर हम देखेंगे कि सीएफ में 32 नंबर से ज्यादा कौन सा नंबर है भाई, 9 32 से छोटा है, 25 32 से छोटा है, 53 32 से ज्यादा है, तो सर यही वाली लाइन हम डब्बा बना देंगे और इसी वाली लाइन पे हम कह देंगे कि सर ये वाला पॉइंट एक्स पे हमारा क्या होगा Q1 होगा। सर Q1 क्या निकला समझ में आया, कैसे निकालना है, CF की मदद कैसे चाहिए हमें यहां पर, तो बिना CF के नहीं निकल सकता। अगर आप CF नहीं निकालोगे सर ये कैसे पता लगाओगे कि जो हमारी ये टर्म आई है इस टर्म को हम कहां प्लॉट करें, इस टर्म को वहां प्लॉट करेंगे जो इस नंबर से ज्यादा वाला होगा, 25 पे नहीं, 25 छोटा है, जो बड़ा होगा उसी पे प्लॉट कर देना और वही एक्स हमारा क्या हो जाएगा Q1। याद करो n भी ऐसे निकाला था हमने, याद आ रहा है दोस्तों आपको। ठीक है सर सॉरी इसके बाद हम बात कर लेते हैं Q3 की। अब Q3 में क्या होता है 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। सर याद है n प्लस 1 डिवाइड बाई 4 अभी निकाला जो हमारा था 32.5 सर अभी तो निकाला, नहीं निकालना तो n की वैल्यू वैसे डाल दो भाई 129 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 तो 130 डिवाइड बाई 4 32.5 अभी तो निकाला इसको तो मल्टीप्लाई बाई हम कर देंगे 3 दैट इज 97.5। अब मैं वो CF में वो नंबर ढूंढूंगा जो 95 से ज्यादा हो और उसी नंबर को मैं मीडियन क्या Q3 बोल दूंगा। इधर देखे 97 से ये रहा सर 99 ज्यादा है तो यही नंबर क्या होगा याला 25, ये 25 नंबर आपके पास Q3 हो जाएगा। लो सर ये आ गया समझ में। अब इसके बाद कौन सा निकालना था इधर देखे D6 निकालना है P91 निकालना है, बस दो रह गए D6 और P91। सर D6 डेकाइल तो छोटा वाला n फिर बड़ा वाला n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10। अब छोटा वाला n बताने क्या होगा 6 सर जो निकाल रहे हैं, मैं अभी समझाया ये होगा 129 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10 सर ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 130 डिवाइडेड बाई 10। अब सर क्या हो जाएगा 130 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 78। सर मैं सीएफ में वो नंबर ढूंढूंगा जो 78 से ज्यादा होगा और उसी डब्बे में जाकर एक्स को क्या बोल दूंगा D6।
78 सर, यही 91 पे आ रहा है, तो D6 मेरा क्या आ जाएगा दोस्तों, D6 मेरा 25 आ जाएगा। आ रहा है समझ में आपको? नहीं आ रहा? अब देखिए कि 78 कहां पर आ रहा है, 78 99 पे, क्योंकि सब 53 छोटा है, 78 से बड़ा नंबर जो भी होगा उसी नंबर को यहां पर बोल दूंगा डी डी सिक्स। सर अब मुझे निकालना है पी 90, पी 90 ये रहा पी 91 सर, पी 91 फाइंड आउट करना है, तो पी 91 एन बड़ा वाला एन प्लस वन और परसेंटाइल को निकालने के लिए 100 से डिवाइड। अब सर एन छोटा वाला एन क्या होगा, 91 बिल्कुल सही, 129 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 100। अब सर इसको क्या हो जाएगा भाई, 91 मल्टीप्लाई बाई 130 डिवाइडेड बाई 100, तो सर 91 मल्टीप्लाई 130 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज 118 पॉइंट, दैट इज 118 पॉइंट थियर टर्म, सर टर्म में है। अब मैं वो नंबर ढूंढूंगा सीएम में जो 118 से ज्यादा होगा, 118 से ज्यादा दैट इज 119, तो ये 30 इस बार मेरा क्या होगा, पी 91 परसेंटाइल, पी 91 परसेंटाइल मेरा क्या होगा, 30 होगा दोस्तों। क्या समझ में आया आपको? हाँ जी सर समझ में आ गया है, तो मैं इसके यहाँ पर एक होमवर्क आपको जरूर दूंगा फ्रीक्वेंसी में डिस्क्रीट सीरीज में। सर कोई भी होमवर्क नहीं है, है ही नहीं क्वेश्चन। सर याद है मैंने आपको करा दिया था 22, 5 स्टूडेंट है, 5 फेलियर है तो आगे आएंगे, बाकी के 15 हाँ सर मैंने करा दिया है आपको। सर और कोई नहीं है, कंटिन्यूस के बचे हुए, तो कंटिन्यूस चलते हैं फिर आगे इनको सीखेंगे। फिर अब मेरा बच गया 15 क्वेश्चन, ये भी कंटिन्यूस पे बेस्ड है, 16 क्वेश्चन ये भी कंटिन्यूस सीरीज पे बेस्ड है, 17 क्वेश्चन भी कंटिन्यूस सीरीज पे है, 18 क्वेश्चन भी कंटिन्यूस सीरीज पे, 19 भी कंटिन्यूस सीरीज पे बेस्ड है दोस्तों, और सर 21 भी कॉन्टिन्यूस पे भेज दे, तो कॉन्टिन्यूस के ज्यादा है तो उसको सॉल्व करते हैं आज की क्लास के अंदर। आज सारे क्वेश्चन आज की क्लास में खत्म कर देते हैं जिससे हमें आगे वाली क्लास को टाइम बचेगा, और आगे वाली क्लास के टाइम बचकर हम आगे का नया कंसेप्ट चालू कर सकते हैं जिसका नाम है मोड। दोस्तों समझ में आया? हाँ जी सर समझ में आ गया। अच्छा स्टार्ट करते हैं सर, हमने हेडिंग डालनी है क्या, हमें हेडिंग डालनी है पहले कॉन्टिन्यूस सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज दोस्तों। सर कॉन्टिन्यूस सीरीज, अब कॉन्टिन्यूस सीरीज का ढंग से समझना सर फॉर्मूला, हमने कहा ध्यान समझना, ध्यान समझना, मैंने कहा सर कॉन्टिन्यूस सीरीज में हर बार फॉर्मूला आपको यही लगाना है, ध्यान देखो कॉन्टिन्यूस सीरीज में हर बार फॉर्मूला का लगाना है L1 प्लस N1 कह रहा हूं, अब मैं N बाई 2 नहीं लिख रहा, N1 कह रहा हूं मैं, माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई आई, आई फॉर कॉमन फैक्टर या सी कर लो। सर ध्यान समझना, अगर मुझे मीडियन निकालना है, मैं आपको फिर दोबारा समझाता हूं, ये फॉर्मूला हर बार है, अगर मुझे मीडियन निकालना है तो मैं एन वन की जगह पर डाल दूंगा एन बाई टू, क्योंकि मीडियन निकालने के लिए एन बाई टू करना पड़ता है, याद आ रहा है? तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मैं एक ही करके फॉर्मूला बना रहा हूं सारे, तो मीडियन के लिए फॉर्मूला बन जाएगा, मीडियन के लिए अभी समझो ध्यान से, मीडियन के लिए फॉर्मूला आएगा एल वन प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू आई एस सी। याद आ रहा है कि एल वन को क्या बोलते थे, लोअर लिमिट, एल वन को बोलते थे लोअर लिमिट, एन बाई टू को क्या बोलते थे, मीडियन सर, ठीक है। तो एन वन में निकालूंगा हर सीरीज में, एन वन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एन बाई टू लेना पड़ेगा मीडियन के लिए। CEF को पता ही है, I means common factor, common gap या common factor। अब जरा ध्यान समझे सर, तो हमने क्या करा, मेरी बात समझना, मैं n की n1 की जगह पर n by 2 अगर पुट कर दूं तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा मीडियन का। अगर मैं q1 निकालना चाहता हूं क्वार्टाइल, वो भी लोअर क्वार्टाइल, अगर मैं लोअर क्वार्टाइल निकालना चाहता हूं जो कंटिन्यूस सीरीज में निकालना हमें सीखना है, लोअर क्वार्टाइल या फर्स्ट क्वार्टाइल मतलब Q1 निकालना चाहता हूं, तो मुझे N1 की जगह पर, मुझे N1 की जगह पर दोस्तों, N1 की जगह पर मुझे पुट करना है N बाई फोर,
और जब मैं एन वन की जगह पर एन बाई फोर कर दूंगा तो वो सारा फॉर्मूला क्यू वन का बन जाएगा। ध्यान समझना आसान नहीं है। क्यू वन का फॉर्मूला कब बनेगा? सेम फॉर्मूला होगा, बस एन वन की जगह पर एन बाई फोर माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू वाई। मुझे हर बार फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला हर बार लगेगा दोस्तों। समझ में आ रहा है आपको? मैं क्या कर रहा हूं, मैं बड़े वाले फॉर्मूले में, मेजर फॉर्मूले में, सर ये वाले फॉर्मूले में मैं क्या कर रहा हूं, हम हमेशा एन वन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। क्यू वन के हिसाब से एन वन निकालेंगे, क्यू थ्री के हिसाब से एन वन निकालेंगे और पुट करते चलेंगे, फॉर्मूला बनता चले जाएगा। मैंने देखो क्यू वन का फॉर्मूला बना दिया आपका। अब मुझे अगर क्या निकालना हो, मुझे अगर निकालना हो अपर क्वार्टाइल, क्यू थ्री, तो उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, वहां करते थे n प्लस वन डिवाइड बाई फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री करते थे, तो यहां पर n बाई फोर, q यहां पर प्लस नहीं है, सीधा क्या कर रहे हैं n बाई फोर कर रहे हैं। तो मैं अब n वन की जगह पर, n वन की जगह पर थ्री एन बाई फोर पुट करूंगा। आ रहा है समझ में चीजें? सर वहां पर होती थी n प्लस वन डिवाइड बाई फोर क्यू वन, और क्यू थ्री निकालने के लिए मैं इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर देता था, एन प्लस वन डिवाइड बाई फोर। अब यहां पर एन बाई फोर है क्यू वन, तो इसको थ्री से मल्टीप्लाई नहीं कर दूंगा। बिल्कुल सही, समझ में आ गया। अब जब मैं n1 की जगह पर, n1 कहां होता है, यहां पर, तो इसकी जगह पर जब मैं n3 n/4 पुट कर दूंगा तो मैं तब निकलेगा q4, तो l1 q3, तो n/4 मल्टीप्लाई बाय 3 3n/4 माइनस cf डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय i। ऐसी हर केस में करना है दोस्तों। करते हैं एक एक करके, करते हैं दोस्तों। सर इसके बाद मेरा क्या है, nth q टाइल, nth क्विंटाइल, जिसको हम क्यू एन भी बोलते हैं। अब nth क्विंटाइल, क्विंटाइल का क्या होता था फॉर्मूला, n n प्लस वन डिवाइड बाई टू होता था, क्विंटाइल में फाइव होता था, तो ये वन तो हटा दिया यहां से और ये बड़ा वाला n था, तो बस यही फॉर्मूला बन जाएगा। ये देखो इधर सर, वन हटा देना है, ऊपर वाले फॉर्मूले में जितने भी वन है वो सब हटा दो, फॉर्मूला अपने आप बनता चले जाएगा दोस्तों। अब मैं क्या पुट करूंगा दोस्तों, अब एन वन की जगह पर मैं पुट कर दूंगा छोटा वाला एन, बड़ा वाला n प्लस वन था मैंने हटा दिया, डिवाइडेड बाय 5, तो भैया मेरा बन गया फॉर्मूला। तो मैं इसको ब्रैकेट को लगाऊं क्यों, आप जो n है ही नहीं तो भाई छोटा वाला n को बड़े वाला n से मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड बाय 5 कर देना। अब ये फॉर्मूला नहीं बना, ये तो n1 निकला है। अब qn निकालने के लिए, qn निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, l1 प्लस ये हो जाएगा n बड़ा वाला n 5 माइनस cf डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय i। हर बार फॉर्मूला लगेगा, बस चेंजमेंट कहां पर होगा, चीजें यहां पर होगी हर बार। सर समझ में आ गया, तो मुझे पता चल गया आपको समझ में आ गया है बिल्कुल अच्छे से। जल्दी से हम अगला फॉर्मूला बताएंगे, nth ऑक्टाइल ऑफ q, nth ऑक्टाइल मतलब इसका मतलब क्या है, ओ एन। अब बता दो ऑक्टाइल कैसे निकालते थे हम, n n प्लस वन डिवाइडेड बाई 10, तो यहां n वन की जगह पर n बड़ा वाला n डिवाइड बाय 10, क्योंकि 1 तो है नहीं। क्या बातें समझ में आ रही है दोस्तों? सॉरी ऑक्टाइल में तो दोस्तों 8 हुआ करता था, डिकाइल में होता था। बस अब ये फॉर्मूला मैं ओ एन निकालने के लिए पुट कर देता हूं, n छोटा वाला n l1 प्लस n बड़ा वाला n डिवाइड बाय 8 माइनस सी एफ अपॉन फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय i। ठीक है दोस्तों, बन गया फॉर्मूला। सर सब कुछ सेम है, बस n1 निकालना है और एक फॉर्मूले को पुट करते चले जाना है। आगे इसके व्यापक भी क्वेश्चन करेंगे, अभी रुक जाओ e देख लेते हैं। nth डिकाइल मतलब dn, तो सर dn निकालने के लिए मुझे n1 में क्या पुट करना पड़ेगा, n बड़ा वाला n प्लस वन हुआ करता था, तो अब n प्लस वन हटा दिया मैंने, अब डिवाइड बाय 10। बस बनाओ जरा फॉर्मूला dn का। सर dn का फॉर्मूला बनेगा l1 प्लस n बड़ा वाला n डिवाइड बाय 10 माइनस सी एफ अपॉन में फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय आई। आ रहा समझ में आपको? अच्छा लास्ट निकाल लेते हैं सर जल्दी से f, तो ये हो गया nth परसेंटाइल pn। तो सर अब n1 निकालने के लिए मुझे n बड़ा वाला n डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस हटा दिया मैंने। सर वही चीज हम कर रहे हैं फॉर्मूला बनाने के लिए, n1 की जगह पर बस चीजें चेंज करते जा रहे हैं जैसे जैसे चेंज हो रही है, मल्टीप्लाई बाय सी एफ डिवाइड बाई फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय आई।
सर हर बार मैं फॉर्मूला बनाते चले जा रहा हूँ, देख लो नीचे वाला फॉर्मूला ये नहीं, फॉर्मूला ये है, इसको करने के लिए पहले ये करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, क्या आपने लिख लिया है सारे के सारे? हाँ जी सर लिख लिया। अब क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल। लो सर, तो मेरा मीडियन यहाँ पर कॉन्सेप्टली खत्म हो चुका है। अगली क्लास में मैं मोड चालू करूंगा, मोड में 3 क्लास करीब लगेगी, सारे क्वेश्चन खत्म करेंगे जितने भी है बुक के अंदर, और उससे अगली क्लास से 3 क्लास के बाद डिस्पर्जन चालू हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? जल्दी जल्दी से कोर्स कंप्लीट करते हैं, और प्रैक्टिस करने के लिए फिर जगह कम होगी, साथ साथ देखते जाइए आप। अच्छा सर, तो भाई इसके बाद मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं कुछ, और होमवर्क है मेरा, पहले तो मैं ही सुन लो, होमवर्क सुन लो पहले। एग्जाम्पल नंबर 6, 7 और एग्जाम्पल नंबर 6, 7 और 8। तो एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8 हमने कर लिया है, आपको दोबारा करना है, और दोबारा क्या करना है आपको जो निकालना है मैं बता रहा हूँ। Q1 निकालना है, Q3 निकालना है, D10 निकालना है, P92 निकालना है, और ऑक्टाइल 7 निकालना है। बस ये निकाल देना तीनों केस में। ठीक है दोस्तों, Q1, Q3, D10, P92 और 7, O7, और छोटा Q भी निकाल देना सर, Q5। तो सर ये 6 बातें आप और निकालोगे इन क्वेश्चन में, प्रैक्टिस करने के लिए, एग्जाम्पल है, खुद ही प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये होमवर्क मैंने दे दिया 3 क्वेश्चन के साथ, आपको सारी चीजें बनानी है। मीडियन वाले क्वेश्चन कर लिए थे हमने सर। क्वेश्चन नंबर अब हम करने जा रहे हैं 15। सर अब एक बार मैं आपको नजर घुमा देता हूं, मैं क्या क्या करा चुका हूं मैं आपको बता देता हूं। हाँ सर, 11वां छुड़वा दिया है मैंने सर। अब जरा ध्यान देखें, ये कंप्लीट, ठीक है सर, मैं आपको दूसरे पेन से देखता हूं, मैं इसको एक कर लेता हूं। ये कंप्लीट हो गया मेरा, ठीक है भाई, 13 कंप्लीट हो गया, 12, 13 कंप्लीट हो गए पूरे अच्छे तरह से, 14 पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया, 15 अभी कंप्लीट कर देते हैं पूरे अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, 16 भी अभी कर लेंगे कंप्लीट, 17 भी अभी करेंगे आज की क्लास में, 18 भी आज ही क्लास में होगा, 19 होमवर्क दूंगा मैं घर के लिए, 19 मैं नहीं करूंगा, आप करोगे, और मैं कराऊंगा भी नहीं आप क्लास में, क्योंकि कुछ आपको भी करना है, हर चीजें मैं नहीं बताऊंगा सर। हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि जब तक आप सारी चीज मैं करा दूंगा तो आप क्या करोगे सर, तो थोड़ा आपको भी करना है, कुछ ऐसी बात भी होनी चाहिए, खुद हमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए। हाँ सर, 20 हो चुका है, 20 हो चुका है, लोअर क्वार्टर सब निकाल दिया था मैंने इसमें, 21 आपको करना है, ये आपको करना है, मैं मान के चल रहा हूं हो गया। 22 मैंने करा दिया था, 23 मीडियन का है, कर लिया है हमने, बस अगली क्लास में देखेंगे, यहां तक आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया मैंने, आज की क्लास में यहां तक कंप्लीट हो गया, इसके बाद नहीं जाकर घुमाऊंगा मैं यहां पर, यहां तक कंप्लीट बोल रहा हूं। आज सारे क्वेश्चन करते हैं जो जो मैंने अभी येलो पेन से लगाया है, ठीक है, कुछ मैं होमवर्क दूंगा इसके अंदर। चलो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं हम 15, क्योंकि हमने ये डिस्क्रिप्ट वाला कर लिया है, 15 कर लेते हैं। चलो सर, 0 से 4, 4 से 8 इक्वल सीरीज है, ये तो बहुत सिंपल हो गया। चलो सबसे पहले एक्स निकालते हैं, एक्स आपके पास क्या दे रखा है, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 16, 20, 24, 28 से 32 से तो आई फ्रीक्वेंसी, सॉरी फ्रीक्वेंसी अब देख लेते हैं, फिर ये सीएफ निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या क्या दे रखी है, 470, 417, 417, 36, 19, 123, 36, 19, 123, फिर सर 110, 66, 110, 66 और 14। अब सीएफ निकाल लेते लगे हाथ जल्दी से, 4 + 17, 21 आ गया, +36, 57 आ गया, +19, 76 + 123, 199 आ गया, 110 प्लस करेंगे 309, 66 प्लस करेंगे 375, 14 प्लस कर देंगे 389। एक मिनट दोबारा कर लेता हूं दोस्त, 4 + 17, 21, 36 + 19 भी + 76 बिल्कुल सही, 123 प्लस 199,
बीच में कुछ मिसिंग हो गया है। हाँ गलती कर दी, 90 की जगह 19 लिख दिया सर, यहाँ पर 90 आएगा। इसको मिटो सारों को, सारे मिटो दिया दोस्तों। 57 से करेंगे, 57 प्लस 90 147 प्लस 123 270 प्लस 110 380 66 446 14 460। तो सर ये आपके पास 460 आया। ठीक है सर, अब मुझे क्या क्या निकालना है। Q1 मीडियन निकालना, मैंने निकाल दिया था मीडियन, याद है आपको? हाँ जी सर याद है, बिल्कुल याद है, मीडियन हमारा निकल चुका है। और हमारा जो मीडियन आया था वो आप देख लेना क्या आया था, ठीक है। अच्छा Q1 Q3 D4 P86 Q1, तो Q1 के लिए मुझे सबसे पहले Q1 की जगह पहले फॉर्मूला लगाना है। Q1 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ दोस्तों, ध्यान सुनना क्या कर रहा हूँ। L1 प्लस Q1 याद है हम क्या करते थे, n प्लस 1/4, तो मैंने प्लस 1 तो हटा दिया, तो क्या बन जाएगा n बाय 4 माइनस सी एफ डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई आई कॉमन फैक्टर। ठीक है दोस्तों एक मिनट, हाँ तो सर पहले तो n बाय 4 निकालता हूं मैं, n बाय 4, n मेरा है 460, डिवाइड बाय 4 करूंगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 तो 115 आया सर। 115 क्या है, टर्म सर क्या है, ये टर्म। अब याद करो मैंने भी सिखाया था, 115 से जो बड़ा होगा उस पर डब्बा बना दे रहे हैं। 115 से ये 57 है, 115 से 147 बड़ा है, यही आपके पास पूरा रहेगा। और याद है मैं आपको कराया था हमेशा फ्रीक्वेंसी जो ये n बाई 4 आता है ये हमेशा सी एफ से छोटा होता है, बड़ा होता है, तो सी एफ ये होगा ऊपर वाला, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी हो गई, ये आपके पास लोअर टर्म होगी, और इन दोनों का जो गैप है वो आपके पास क्या हो गया आई। ठीक है सर, सबसे पहले लोअर में लिया है 12, ठीक है दोस्तों। n बाई 4 मैंने अभी निकाला 115, सी एफ मेरा है 57, क्योंकि सी एफ बड़ा नहीं होगा, हमेशा याद रखना अगर ये चीज माइनस में आ रही है ये दोनों का तो आपने कहीं ना कहीं गलती करी है, माइनस में नहीं आ सकता ये कभी भी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ये n बाई 4 है वो बड़ा होना चाहिए, सी एफ छोटा होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी आपके पास 90 है और कॉमन डेप आपके पास 4 का है। ठीक है सर सॉल्व कर लेते जल्दी से, 115 माइनस 57 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 90 2.577 सेवन एट कर लेते इसको, तो 2.578 प्लस 12 114.578, तो सर 14.578 यह आया मेरा Q1। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब सर Q1 निकालने के लिए Q2 भी निकालना पड़ेगा, तो Q3 निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, n by 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो Q3 के लिए ये चाहिए। ठीक है सर करना जरा, तो 100 अब मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दूं 115 से, तो 115 से जब मल्टीप्लाई करा मल्टीप्लाई बाय 3 तो 345th टर्म। अब मैं क्यू उसका फॉर्मूला लिख रहा हूं दोस्तों, तो Q3 का फॉर्मूला क्या होगा, L1 प्लस 3n डिवाइड बाय 4 माइनस सी एफ अपॉन में फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय आई। अब ध्यान दे इधर, अब मैं फिर दोबारा डबा 345 से बड़ा टर्म कौन सा है, ये रहा सर 380, तो ये वाले डब्बे बन जाएगा सेम प्रोसीजर, इसको मैं मिटो रहा हूं। अब मुझे बताओ क्या होगा सर, ये हो जाएगा सी एफ इस केस में, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा L1, तो सर जल्दी से पुट कर देते हैं, L1 मेरा है 20 प्लस 3n बाई मैंने अभी निकाला 345, सी एफ हमेशा छोटा होना चाहिए 345 से, तो 270 हो गया डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी आपके पास 110 है, आई आपके पास 4 है दोस्तों, ये आ गया। अब सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, तो 345 माइनस 270 या 75 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया या 300 डिवाइड बाय 110 कर दिया या 2. तो 20 प्लस मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया 2.727, ठीक है सर प्लस 20 कर दिया तो ये आ गया 22. दोस्तों 22.727 727। लो भाई Q3 भी आ गया, थोड़ा बड़े होते हैं क्वेश्चन बट सोल्व हो जाते जल्दी से। सर इसके बाद D4, तो D4 निकालने के लिए याद है आपके पास छोटा n बड़ा n डिवाइड बाय 10, यस आपको याद है
फोर, छोटा वाला एन मीन्स फोर, बड़ा वाला एन का मतलब क्या होता है 460 डिवाइडेड बाई 10। तो सर 460 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 10 दैट इज 184 टर्म। ठीक है, आप फॉर्मूला लिख देंगे इसका, एक जगह और छोड़ देता हूं मैं परसेंटाइल के लिए, छोटा n बड़ा n डिवाइड बाई 100 ये होता है ना परसेंटाइल का। अब मैं q d4 निकाल रहा हूं दोस्तों, तो l1 प्लस छोटा n बड़ा n डिवाइड बाई 10 माइनस cf अपॉन में फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई आई। तो सर l1 मेरा क्या है, पर उससे पहले मुझे 184 टर्म से बड़ा देखना है, तो 184 से ये आला हुआ दोस्तों इस बार, तो मैं अब इस वाले को मिटो दे रहा हूं। ठीक है, अच्छा तो मेरा जो टर्म हुई वो याली हुई, तो सर मेरी 184 है तो ये आला हुआ, तो क्योंकि 184 से जो बड़ा होता है तो ये हो गया सीएफ 184 से छोटा, ये फ्रीक्वेंसी और ये एलएफ एल1। तो सर एल1 16 है, 123 एफ है और 270 आपके पास यह। तो सर ये आपके पास एल1 आपके पास है 16, ये आपके पास 184 आया, माइनस ये 270 जहां पर था उससे ऊपर वाला 147 एफ सी एफ, और अब फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या थी 123 मल्टीप्लाई बाई 4, ये तो आपके पास सेम। सोल्व कर लेते हैं जल्दी, 184 माइनस 147 37 आया, मल्टीप्लाई बाई 4 कर दिया और डिवाइडेड बाई 123 कर दिया, तो आया 1.20, तो 16 प्लस 1.2032 प्लस कर दिया 16, यह आया 17.2032 बस, ये आपके पास सोल्यूशन। अब बताओ मैं निकालता हूं परसेंटाइल, तो परसेंटाइल कौन सा निकालना है आपके पास 86 निकालना है, परसेंटाइल 86। तो सर पी 86 निकालना है तो आपके पास क्या होगा फॉर्मूला, एल वन प्लस छोटा एन बड़ा एन डिवाइड बाई 100 माइनस सी एफ अपॉन में फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई आई। सर समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी सर, मुझे पक्का यकीन आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये इतनी मुश्किल बात नहीं है, समझने लायक नहीं है, ऐसा नहीं लगेगा ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा, बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि क्या कर रहे हैं सर, कैसे समझाया मैंने, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी आपको पहले ऊपर से समझा दिया था। सर अब छोटा वाला एन है 86, क्या रहेगा ना पी 86, हाँ जी पी 86, तो छोटा वाला एन क्या हो गया 86, बड़ा वाला एन 460 फ्रिक्वेंसी का टोटल डिवाइड बाई 100। सर मल्टीप्लाई करते हैं 86 मल्टीप्लाई 460 डिवाइड बाई 100 दैट इज 395.6। सर क्या हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं? सर इन चीजों को मुझे लिखना पड़ेगा, हाँ सर इनको दिखाना है आपको अलग से लिखकर। जब भी आप Q3 सोल्व करें उससे पहले ये बताओ, जब भी आप ऐसे नहीं करना जैसे मैंने करा साइड में, मेरे को तो फिर बहुत नीचे जाना पड़ता ना दोस्तों, मैं आपको समझा रहा हूँ। डी फोर करा तो डी फोर से पहले वाला वो कर लेना, जैसे 886 लिखा उससे पहले ये वाला कर लेना, तो 395 टर्म, तो 395 से बड़ा कौन सा है 446, 395 से क्या बड़ा है 446, तो सर ये वाली टर्म इस बार मानी जाएगी, और इस बार ये हमारा सी एफ है, ये फ्रीक्वेंसी है और ये L1 है, तो 24 L1 66 फ्रीक्वेंसी 380 CF डालो, 24 LF ये आपके पास आया था 395.6 माइनस CF आपके पास क्या है CF 380 CF है डिवाइडेड बाय, और आपके पास फ्रीक्वेंसी है 66 मल्टीप्लाई बाय I मतलब 4 दोस्तों, 395.6 माइनस 380 मल्टीप्लाई कर दिया 4 से डिवाइडेड बाय कर दिया 66 से, ये आपके पास 24 तो बचा ही है और ये बचा 0.945 45, ये बढ़ जा रहा है, तो मतलब 24.94545 ये आपका है P86 लॉस्ट। परसेंटाइल भी निकाल दिया, परसेंटाइल भी निकाल दिया दोस्तों, सारे आंसर सही कर लिया हमने। अब इसके बाद कुछ नहीं बचा हमारा, आप क्या होमवर्क सुनो, अब मैंने क्या करा दिया, मैंने आपको कराया आज ही क्लास के अंदर, मैं दूसरा पेन यूज करता हूँ एक मिनट, आज ही क्लास के अंदर मैंने आपको जो कराया है, ये अलग ही पेन ले लेते हैं एक बार, आज ही क्लास हमने क्या खत्म कर दिया सर, 15 क्वेश्चन हम खत्म कर चुके हैं सर, 15 क्वेश्चन खत्म हो चुका है, 16 क्वेश्चन देखो 4 से 7 7 से 8, अब ये मैं करा दूं या 17 क्वेश्चन देखो
17 क्वेश्चन देखो, 20 ये सर आप करके लाओगे होमवर्क, ये मैं नहीं कराऊंगा, आप खुद चेक करो। सर डीएम M1, M1 मीन्स मीडियन, M1 का मतलब क्या होता है दोस्तों, मीडियन होता है, तो सर ये मीडियन है, ये भी आप सोल्व करना, ये करा नहीं था। Q3 क्वार्टाइल, ये D1, ठीक है। तो सर अनइक्वल इंटरवल है, ये अनइक्वल है, 20, 10 से 0 से 20, 20 से 30, 30, हाँ अनइक्वल है दोस्तों, ये नहीं कर पाओगे आप, ये मैं कराऊंगा, ये नहीं करोगे, ये मैं कराऊंगा दोस्त। अच्छा ये कर लोगे क्या, ये वाला होमवर्क में 4 से 7.5 सब कुछ सेम है। चलो मैं करा देता हूं, मैं करा देता हूं दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है दोस्तों। मैं लिखता हूं एक्स आपके पास क्या है, 4 से 7, 8 से 11, 12 से 9, 15, 16 से 19, 20, 23, 24, 27, 20, 23, 24, 27, 28, 31 फ्रीक्वेंसी 7, 11, 23, 47 7, 11, 23, 47, 29, 17 CF निकाल ले डायरेक्ट से, जल्दी से कर लेते हैं। 7 प्लस 11, 18 हो गया, 23, 41, 47, 88, 36, 124, 29, 153 और 17, 170। तो सर मेरा एन तो आ गया 170, ये मेरा है बड़ा वाला एन। अब मुझे क्या क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है एम मीडियन, तो मीडियन फाइंड कर ही लेते हैं सर। उससे पहले मुझे इस इक्वेशन को ठीक करना पड़ेगा पहले। अब एक्स में क्या लूंगा, 3.5 से 7.5, ठीक कर लेना दोस्तों, इसको आता है ना आपको ठीक करना, सिंपल है। 7.5 से काफी बार करा चुका हूं ये क्वेश्चन, 7.5 से 11.5। सर अब ये नहीं लेंगे, अब ये वाला लेंगे, ये आपको पता है, थोड़ा मैं उधर करना भूल गया हूं, पर ये लेंगे वाला 11.5 से 15.5, 15.5 से 19.5, 19.5 से 23.5, 23.5 से 24.27.5, 27.5 से 31.5, ठीक है दोस्तों। अब आपको ना डब्बा यहां से बनाना है और ये चीज लेनी है, ठीक है, ठीक है सर। यहां मैं वो एन, तो सबसे पहले अब एक प्रोसीजर दिखाता हूं आपको करने का, कैसे करेंगे प्रोसीजर। सबसे पहले क्या निकालना है, मीडियन निकाल ले, एम निकाल ले सर सबसे पहले, ठीक है। एम आपने निकाल दिया था, फिर भी निकाल लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मीडियन निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा एन बाई टू, मीडियन के लिए एन बाई टू करना पड़ता है, याद है आपको, ठीक है। या मीडियन को क्या बोल सकते हैं, मीडियन बोल सकते हैं क्यू टू, मीडियन को क्या बोल सकते हैं क्यू टू भी बोल सकते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ता है 2n/4, तो बात तो एक ही होगी, ठीक है सर। समझ में आ रहा है, मैं समझाना चाह रहा हूं, एन बाई टू निकालो मीडियन के लिए। तो एन बाई टू, एन आपके पास कितना है 170 डिवाइड बाई 2, तो 170 डिवाइड बाई 2 दैट इज 85, तो 85th टर्म मीडियन निकालने की। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, L1 प्लस N by 2 माइनस CF डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय I। L1 देखो, L1 क्या है, बाद में देखेंगे, पहले 85 टर्म को प्लॉट करेंगे, 85 टर्म देखेंगे CF में, ध्यान देखो थोड़ा आगे पीछे हो रखा है सर, ये आपको ना पता कहां करना है, यहां करना है इसके बाद, ठीक है। तो आप जो सॉल्व करोगे उसके बाद पर आप यहां पर ध्यान देना, 85 टर्म कहां होगा, यहां पर 85 सबसे बड़ा ये है, 85 से ये वाली टर्म आपके पास क्या मानी जाएगी। अब इसके अंदर ये आपके पास CF हो गया, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी हो गया, और ये आपका L1 हो गया, ओहो सॉरी 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 L1 ये हुआ दोस्तों ये, ठीक है, वही मैं कह रहा था आपको, ये वाली टर्म ये है L1 ये हुआ। तो सर यही गलती नहीं करनी इसके अंदर, ठीक है। अच्छा सर उससे करेंगे तो आ जाएगा सर, अगर मैं ये वाला L1 ले लूं तो आ जाएगा सर। सर आप चेक करिए, आप चेक करना सर, आता है नहीं आता, मुझे तो लगता नहीं नहीं आएगा सर, क्योंकि सर L1 इधर 15.5 है सर, उधर 16 है, तो 15.5 N2 मेरा है 85 टर्म माइनस CF मेरा एक कम होता है से 41 हो गया, फ्रीक्वेंसी 47 है,
41 फ्रीक्वेंसी 47 मल्टीप्लाई बाय आई, गैप देखना कितने का है सर, गैप देखो आप इस वाले में देखना सर, 7.5 माइनस 3.5 तो सर 4 का गैप है, वही कितना गैप है दोस्तों 4 का गैप है। ठीक है सर, सॉल्व कर लेते हैं आप 4 के गैप से। तो अब इसको एक बार चेक कर लेता हूं, 47 फ्रीक्वेंसी था 41 सीएफ था, अब सॉल्व कर लो। सॉल्व करते हैं 85 माइनस 41 दोस्त, उसके बाद 40 आया, एक बार 85 माइनस 41 44 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 47 33.7, तो यहाँ 15.5 प्लस 3.7 4 5 कर लो, 4 6 था ना ये, तो पूरा 4 5 4 6 था, तो इसको मैंने पूरा 5 ही कर दिया। ठीक है सर, ऐड कर देंगे इसको 15.5 प्लस 3.745 या 19.245 सर, ये आपके पास मीडियन जो मैंने छुड़वा दिया था ना आपको, बोला था होमवर्क में, आपने चेक कर लो आप, ये आपका मीडियन है। ठीक है सर, मीडियन निकाल लिया, इसके बाद क्या निकालना है, Q1 और Q3 निकालना है। चलो शुक्र है दो ही चीज पूछी गई है, ऐसे अगर प्रैक्टिस करनी हो तो सर देखो, अगर मेहनत करने वाला स्टूडेंट है तो सर इसके अंदर भी करेगा, पर मैं नहीं कर सकता, मुझे पेपर नहीं देना दोस्तों, मेरा क्लियर है, मैं मेहनत कर चुका दोस्तों, अब आपकी बारी है मेहनत करने की, तो आप इससे P1 भी निकाल सकते हैं, P86 भी निकाल सकते हैं मेहनत करने के लिए। सर अगर आपको आ गया है तो इतना भी नहीं आ गया कि भाई उसी में लगे पड़े सच कुछ और पढ़ ले, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट है हमारे पास, इसलिए देखो अगर आपके पास थोड़ी कंफ्यूजन हो जाए तो आप ट्राई करने के लिए कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। तो सर Q1 निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा L1 प्लस N बाई 4 माइनस EF डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई I, तो यहाँ N बाई 4 निकालूंगा, है देखो ऐसे करना है आपको, ठीक है, तो N बाई 4 तो 170 डिवाइड बाई 4, ये मेरा B पार्ट होगा, तो 170 डिवाइड बाई 4 सॉरी 170 डिवाइड बाई 4 42.5 टर्म में है, तो देखो 42.5 से बड़ा कहाँ है, इधर 42.5 सर सेम बड़ा यही है, देखो 41 था वो तो छोटा है, तो यही सब कुछ वही लगेगा दोस्तों, बट इस बार चेंज ये हो जाएगा आपके पास, L1 भी सेम रहेगा क्योंकि जब वो बॉक्स ही सेम जगह बन रहा है तो L1 50.5 रहेगा, N2 आपके पास अब कम हो जाएगा, देखो आंसर तो डिफरेंट आएगा दोस्तों क्योंकि N बाई 4 है ये, CF आपके पास 41 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या थी 47 मल्टीप्लाई बाई 4, ये समझ में आया आपको नहीं आया, मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको, सर 42.5 है तो हमारे इसी बॉक्स में बन रहा है दोस्तों, इसी वाले बॉक्स में, तो इस वाले बॉक्स में तो सेम प्रोसीजर है। ठीक है सॉल्व कर लेते हैं, 42.5 माइनस 41 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 47 तो यह है 15.5 प्लस 0.1277 प्लस कर दिया सर हमने 15.5 को, तो सर ये आया 15.6278 Q1। ठीक है सर, सर क्योंकि मेरी जगह है आपको नीचे सोल्व करना है, मैं सी पार्ट यहां कर देता हूं, तो सी पार्ट मेरा यहां पर है, मैं निकाल रहा हूं Q3 मेरा फाइंड करना है, तो उसके पहले N छोटा वाला N डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा, तो सर अब मेरा N तो था तो मेरा क्या करा 3, तो ये तो मेरा 3 होगा ना, Q3 है तो ये क्या होगा 3 होगा दोस्तों, 3 N बाई 4 मल्टीप्लाई किया 42.5, तो 42.5 मल्टीप्लाई बाई 4 तो सही आपको समझ में आ रहा है, सॉरी 42.5 मल्टीप्लाई बाई 3 127 या 127.5 टर्म। सर ये समझ में आया 42.5 के लिए, सर इसको तो वही निकाल ही दिया अभी, तो मल्टीप्लाई बाई N कर दिया 3, थ्री क्यों करा सर, क्यू में एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर नीचे क्या है 3 है, सिंपल, और फॉर्मूला भी मैंने बता दिया था आपको लिखवाएगा। अच्छा इसके बाद फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था Q3 निकालने का, L1 छोटा n बड़ा n डिवाइड बाई 4, छोटा n नहीं 3n डिवाइड बाई 4 माइनस सी एफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई आई। सर अब देख लेते हैं 127.5 किस बॉक्स में आ रहा है, 127 तो ये ईयर 27 से बड़ा है, 124 छोटा है ना, तो बड़े वाले बॉक्स में चाहिए मुझे, तो सर मेरा तो ये वाले बॉक्स में आ रहा है 127 ईयर, तो सर 23 ये हो गया मेरा L1, ये हो गया CF,
ये होगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है 29, CF है 124, L1 है 23.5। लो सर डालना जरा, L1 है 23.5, ये मेरा है 127.5, ये है माइनस CF मेरा है 124 डिवाइड बाय CF, देख लेते हैं 124, सही है सर, ये CF और ये रही फ्रीक्वेंसी 29, फ्रीक्वेंसी मेरी है 29 मल्टीप्लाई बाय 4। सॉल्व कर लेते हैं, 124 आ गया, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 29, तो सर ये बचा आपके पास 23.5 प्लस 0.4827, 0.4827 है दोस्तों, ठीक है 0.4827 28 कर लेते हैं, आगे इसके 5 है तो उसके बाद जोड़ देंगे इसको 0.4828 प्लस 23.5, तो अगर सर ये 23.9828। लो सर Q3 भी आ गया, आगे कुछ भी पूछता मैं निकाल देता, ठीक है सर। तो यहां पर हमने कंप्लीट कर लिया है अपना क्वेश्चंस, हमने काफी अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं, मेरा मीडियन क्या आया था दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हमने ये क्वेश्चन भी खत्म करा, ठीक। चलो भाई अगला देखते हैं, तो सर ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में अब नहीं रहा, अब मैंने सारा खत्म करा दिया, और बताओ सर ये भी कैंसिल करा, खत्म करा दिया मैंने, इसके बाद 17 क्वेश्चन इसको कराना है, 18 क्वेश्चन, अच्छा ये आपके पास होमवर्क में रहेगा, ये मैं नहीं कराऊंगा दोस्तों, अब बहुत करा चुका हूं क्वेश्चन, आपको मीडियन और क्वार्टाइल्स निकालने, क्वार्टाइल्स का मतलब क्या होता है सर, दोनों Q1 और Q3 दोनों निकालने हैं, क्वार्टाइल्स लिखा है यहां पर सर, क्वार्टाइल दोनों होते हैं, ठीक है। अच्छा सर 20 मैं करा चुका हूं, 21 आपके लिए होमवर्क में रहेगा, अब देखो 20 to 29 कर सकते हो आप, अब सारा प्रोसीजर वही है, बिल्कुल सर कर सकते हैं, ये वाला होमवर्क में रहेगा, ये मैं नहीं कराऊंगा दोस्त, पक्का बता रहा हूं मैं आपको, ये मैं करा ही चुका, 29 22 मैं करा चुका, तो अगर दो क्वेश्चन होमवर्क में है 21 और 19, जो मैं अगली क्लास में नहीं कराऊंगा, तो क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 19 ये खुद ही करोगे, ठीक है दोस्तों, इतना आपके खुद से करना है, मैंने कहा ना जो क्वेश्चन घटिया है, मैं कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दे रहा जो आपसे नहीं होगा, ये वो क्वेश्चन है जो आपसे होने पक्के ही है, और ये आप भी मानते हो अगर आपने अभी की क्लास ढंग से पढ़ी है तो, ठीक है ये होमवर्क में, बाकी एग्जाम्पल के मैंने आपको बताया ऊपर, वो होमवर्क में। तो बचा क्या, बचा आपके पास अब 18 बच गया, पेंडिंग क्या है 17 पेंडिंग है, अनइक्वल इंटरवल और 18 पेंडिंग है, 17, 18 और आपके पास 11, सर भूला नहीं हूं मैं, 11 ही पेंडिंग है, तो सर 11, 17, 18 मैं आपको बताता हूं पेंडिंग क्वेश्चन, पेंडिंग क्वेश्चन कौन से हैं सर, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 11, 17 और 18, क्वेश्चन नंबर 11, 17, 18 और 11, ठीक है, तो ये पेंडिंग क्वेश्चन है मेरे, ये बच गए हैं, और MCQ किसके, मीडियन के और क्वार्टाइल क्विंटाइल वगैरह, क्वार्टाइल्स एक्सेट्रा लिख रहा हूं सबके, इसके MCQ बच गए, तो सर ये बच गया है, यही क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, ट्राई करना, ऐसा नहीं है कि कर ही नहीं पाओगे, ट्राई करना है, अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो सर जरूर ये वाला ट्राई करें, सर जरूर ट्राई करें वाला 18 क्वेश्चन, सर ये भी ट्राई करें, याद करो एक बार मैंने कराया था, नहीं होता कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हूं, मैं ही यहीं पर बताने लायक हूं सर, यहां पर Q1 डिटेल दे रखी है, N डिटेल दे रखी है, आपको ये निकालना है मिसिंग फ्रीक्वेंसी, तो सर जरूर इसको ट्राई करें, कर सकते हो, अगर कर लिया बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सर, ठीक है। 11 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये जो बच्चा आखिरकार ये कर नहीं पाते क्योंकि इसमें ट्रिक है दोस्तों, समझना है बहुत जरूरी, बहुत सिंपल, बहुत सबसे घटिया क्वेश्चन जो होता है ना वो है इनमें से, बट आप देखना है सर ये क्वेश्चन आपको समझ ही नहीं आएगा पढ़ने से, मिसिंग 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 हर जगह मिसिंग मिसिंग लिखा है, पर जब मैं समझाऊंगा सर एकदम ही समझ में आएगा, कहोगे भरत सर कितना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो सर आज की क्लास के अंदर मैंने ज्यादा बर्डन नहीं डाला, मैं चाहता हूं पहले आप खुद से प्रैक्टिस कर लें, मेरा तो फोकस था कि मैं आज ही खत्म करा दूं सारी क्लास, आज ही खत्म करा देता हूं ये 3 क्वेश्चन भी, बट सर इतनी जल्दी बढ़कर भी क्या फायदा, जब जब हमारे को हमको ही समझ नहीं आ रहा, हमने प्रैक्टिस नहीं करी, मैं तो आगे बढ़ा दूंगा भगा 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 कर, उसका फायदा नहीं है दोस्तों, समझे आप, कोशिश करें कि दोस्तों कि आपको क्या करना है
आपको करना है सर थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, जो मैंने अभी होमवर्क में दिया, जो मैंने क्वेश्चन कराए, इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करो जिससे आपके माइंड में सेटअप हो जाए। एक बार सेट हो गया ना सबको, प्रैक्टिस आई की बार होगी, अभी होगी होगी, बाद में मुश्किल है क्योंकि अभी तक पहला चैप्टर निकल गया। मुझे गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप पार्ट पहला चैप्टर दोबारा नहीं देखा होगा इस बार। मुझे पता है दोस्तों, मुझे पता है मैं बहुत पढ़ाता हूँ, बहुत क्लासेस मेरे बैची चलते हैं, मेरे को पता है सर कि एक बार बच्चा जब स्टूडेंट जब पहले चैप्टर कर लेता है वो दोबारा नहीं देखता जब तक मैं उसको होमवर्क में ना दूंगा। ठीक है, तो टाइम टू टाइम मैं अभी होमवर्क दूंगा, पहले खुद अपनी ईमानदार से पढ़े, पहला चैप्टर नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, अगली क्लास में आओ और पहला चैप्टर का होमवर्क लो, वो भी करो। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, पहले होमवर्क कर लीजिए, होमवर्क ज्यादा से ज्यादा करिए जिससे आपके पास प्रैक्टिस रहे। भगाने की मत सोचो कोर्स को, ऐसा करो कि सही भी कोर्स चले और अच्छे से प्रैक्टिस भी हो चले। ठीक है, तो इसके बिहार पर आपको एमसीक्यू करना, ट्राई करना, सब कुछ ट्राई करना, उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो को जाकर देखना। ठीक है, पहले देखिए पाप लगेगा कसम से कह रहा हूं मैं आपको। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।